हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। इससे पहले वीडियो में आपने अधिगम और अर्जन का कॉन्सेप्ट देखा। अब देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखते हैं, भाषा के संदर्भ में उनकी क्या विचारधारा है। तो हम लोग बात करेंगे, चॉम्स्की की बात करेंगे, वाइगोत्स्की की बात करेंगे, हम बात करेंगे थोड़ा सा स्किनर की बात करेंगे, पावलोव की बात करेंगे, कोहलर की बात करेंगे। तो इनके भाषा विकास के संदर्भ में इनकी अवधारणा क्या है। तो अगर स्किनर की बात किया जाए, स्किनर महोदय की बात किया जाए, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, चयनात्मक पुनर्बलन। अब चयनात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य क्या है, जैसे देखिए, बालक यदि बोलता है माँ पा बू, इन वर्ड्स का प्रयोग करता है, ऐसी स्थितियों में आप तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन करते हैं। इसका मतलब आपने उसको पुनर्बलन दिया। इसका मतलब आपने जब तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया, पुनर्बलन दिया, तो बच्चे का ध्यान आकृष्ट होता है। और जब बच्चे का ध्यान आकृष्ट होता है, तो उसके मन में ये भाव आता है कि ये वर्ड है जिसके वजह से तालियां बजाई गई, जिसके वजह से कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ आपने किया। और जब आप अलग तरह की एक्टिविटीज़ आपने किया, बच्चे का ध्यान आकृष्ट किया, उससे आपका लगाव बढ़ा, अब ऐसी स्थिति में वो वर्ड कहीं ना कहीं माइंड में बच्चे के बैठ जाता है और वो पुनः चयन कर लेता है, उस पुनर्बलन के द्वारा वो चयन कर लेता है। और ये अब आप समझ गए होंगे कि चयनात्मक पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट जो स्किनर ने दिया, इसके द्वारा भाषा का विकास, भाषा का डेवलप होता है, बालक अपनी भाषा को और बेहतर करने की स्थिति में आ जाता है। ये बातें किसने कही, स्किनर ने। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वीडियो को दो बार देख के सुनिएगा, कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट एकदम दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, सर्वाधिक जो भाषा का जो विकास होता है वो एक्चुअल में अनुकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। और ये बातें किसने कही, पावलोव। हाँ जी, अब आप खुद ही यार सोचो, अपने मन मस्तिष्क से खुद ही आप सोचो, सर्वाधिक तथ्यों को बच्चा आत्मसात कैसे कर पाता है, जब कहीं ना कहीं गार्जियंस या पेरेंट्स, माता पिता, परिवेश में जब उन तथ्यों को दोहराया जाता है, तो वो क्या कर लेता है, उसका अनुकरण कर लेता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पापा बोल रहे हो। अब हो सकता है वो व्यक्ति पापा है या नहीं, किसी व्यक्ति को चाचा बोल रहे हो। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जो व्यक्ति पापा नहीं है उसे चाचा बोला जा रहा है। चाचा इसलिए बालक बोलने लगता है क्योंकि घर पे रहने वाले जो बालक होते हैं उन पापा को क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। आपने गांव देश में सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि बालक ने क्या किया, अनुकरण किया। तो बालक कभी कभी अपने पापा को पापा न बोलकर चाचा बोलता है। क्यों? क्योंकि घर में रहने वाले छोटे और अन्य जो लोग हैं वो चाचा बोलते हैं। जब चाचा बोलते हैं तो वो चाचा ही बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बालक ने क्या किया, अनुकरण किया। और भाषा का सर्वाधिक विकास अनुकरण के सिद्धांत के द्वारा होता है, जिसे किसने दिया, पावलोव महोदय ने दिया। आप जानते हैं कि पावलोव महोदय ने कुत्तों पे अपना ये, देखिए ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक तो डॉक्टर थे, उन्होंने एक अपना प्रयोग किया था। ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय हो जाता है, मैं ऐसे ही संक्षिप्त में। तो यहाँ पे कुत्तों का है ना, कुत्तों पे इन्होंने प्रयोग किया था, जबकि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहों पे। ये बात है, ठीक है। तो बहरहाल ये भाषा विकास के संदर्भ में, चूंकि आप भाषा पढ़ रहे हैं तो इतना इनफ है, पर्याप्त है। शेष आप चाइल्ड साइकोलॉजी में तो खुद ही आप इन्हें बहुत विस्तार से, चाइल्ड साइकोलॉजी के पार्ट में इन्हें बहुत विस्तार से, इनकी थियरीज को, सिद्धांत को, जो ऑपरेंट थियरी है पूरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्किनर ने दिया, और शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है जो पावलोव ने दिया, तो ये तो आप पढ़ेंगे, वो चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी चर्चा की ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जानते हैं आप लोग। तो भाषा विकास के संदर्भ में इनकी क्या, इनका क्या भाव है, इस पर हमने चर्चा की यहाँ पे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से, और जो और भी महत्वपूर्ण है, चॉम्स्की। चॉम्स्की को कुछ पुस्तकों में आप कोमोस्की भी मिल जाएगा आपको। ये अगर आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप परेशान न होइए, वही हैं, रसिया के, इनका जन्म रूस में हुआ था। और
वर्तमान में ये 95 ईयर्स के हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, इनकी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है, भाषा अर्जन जो है वो जन्मजात है। कॉमस्की महोदय की का जो अवधारणा है बहुत अधिक परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको समझिए बहुत अच्छे से। देखिए चोमस्की या कोमस्की मिल जाए तो आप इस मतलब वही है, दोनों वही है। तो देखिए चोमस्की महोदय ने क्या कहा भैया कि भाषा अर्जन जन्मजात है। देखिए इन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि भाषा जन्मजात है। अगर ये बोल देते कि भाषा जन्मजात है तो इनका पूरा थियरी ही फेल हो जाता, तब इनको कोई शायद आज आप जानते भी नहीं यार। किस बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मन भाषा को जानता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, इन्होंने ये कहा, क्या कहा देखिए, इन बॉर्न कैपेसिटी टू लैंग्वेज एक्वायर, एक्वायर मतलब होता है ग्रहण, लैंग्वेज मीन्स क्या हो गया भाषा, कैपेसिटी मीन्स क्या हो गया क्षमता, इनबॉर्न मीन्स क्या हो गया जन्मजात। तो देखिए बालक के अंदर क्या होता है, भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगर प्रश्न आपको बिल्कुल ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाए, इनबॉर्न कैपेसिटी टू लैंग्वेज एक्वायर, यानी भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्तियों से युक्त होता है बालक, ऐसा किसने कहा था, तो आप सीधा सा उत्तर आप देंगे चोमस्की। क्या आप आंसर देंगे? चोमस्की। अब देखिए भाषा की अगर बात की जा रही है, चोमस्की महोदय ने बहुत बड़ी बात कह दी, अब सुनिएगा बड़ी बात क्या कह दी, कि भाषा अपने वातावरण से सीखता है और भाषा ही नहीं बल्कि बालक व्याकरण के नियमों तक को सीख लेता है। ये सुनिए, ये एकमात्र केवल इन्होंने कहा ये बातें, बालक अपने वातावरण से व्याकरण के नियमों को तक को सीख लेता है, ये बालक अपने वातावरण से व्याकरण के नियमों तक को सीख लेता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो प्रश्न बनेगा और प्रश्न बन सकता है कि भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा किसने की, भाषा अर्जन यंत्र को बोलेंगे LAD, L मीन्स हो गया लैंग्वेज, A मीन्स हो गया एक्विजिशन और D मीन्स हो गया डिवाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की, भाषा अर्जन यंत्र की बात किसने की। देखिए चोम्स्की महोदय का ये मानना है कि बालक के मस्तिष्क में, बालक के जीन्स में कुछ ऐसा होता है जिसे LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, और इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा बालक समझता है, भाषा को समझने का प्रयास करता है, तथ्यों को उत्पादित करता है, उसके मनोभाव से तथ्य निकलते हैं और यहां तक कि नए शब्दों का निर्माण भी कर लेता है, ऐसा ये काम होता है LAD का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। ये बातें उन्होंने कही, पॉइंट जितने मैं बता रहा हूं आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उन्होंने संरचना तक की बात कर दी कि इसकी जो है गहरी और सतही संरचना होती है। देखिए गहरी संरचना और सतही संरचना की बात किसने की, तो आप बताएंगे चोम्स्की। सतही संरचना में क्या होता है, ये उनकी देखिए कल्पना है भाई, ठीक है, ये मतलब चोम्स्की महोदय ने कल्पना किया कि बालक के जीन्स में, बालक के मस्तिष्क में ऐसा कुछ है जिसे आप LAD बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलेंगे, हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र बोलेंगे, और इसमें होता क्या, इसकी संरचना
तक स्पष्ट कर दिया कि एक गहरी संरचना होता है, एक सतही संरचना होता है। गहरी संरचना के द्वारा बालक क्या करता है? गहरी संरचना के द्वारा बालक भाव और विचारों को व्यक्त करता है, भाव और विचारों को व्यक्त करता है। देखिए, भाव और विचारों को व्यक्त करता है। और सतही संरचना, जिसको सरफेस स्ट्रक्चर बोलेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये डीप स्ट्रक्चर हो गया, डीप स्ट्रक्चर है ना। तो सतही संरचना के द्वारा क्या होता है? शब्द व वाक्य का निर्माण होता है, शब्द व वाक्य का निर्माण होता है। देखिए, नॉर्म चॉम्स्की अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहां पे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, चाइल्ड चैप्टर, किसी भी पार्ट में आपका प्रश्न बन सकता है, लेकिन भाषा के संदर्भ में नॉर्म चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने भाषा के लिए क्या कहा कि भाषा अर्जन जन्मजात है। मेन पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, भाषा जन्मजात नहीं है, लेकिन भाषा अर्जन क्या है? जन्मजात है। इन्होंने ये बातें कही। अब इसी क्रम में हम आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्जन पे जोर दिया, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अर्जन पे जोर दिया, अर्जन की बातें पहले भी की जा चुकी है, तो किसने जोर दिया? चॉम्स्की। अब देखिए, अगर हम आपसे बात करें सतही संरचना और गहरी संरचना की बातें आपसे की, अब देखिए उन्होंने एक और भी बात कही कि बालक के अंदर वो एलईडी के द्वारा तथ्यों को समझने लगता है और सार्वभौमिक तौर पे तथ्यों को ग्रहण करने लगता है। सार्वभौमिक तौर मतलब जो भी अर्जित की जाती है, जो भी तथ्य होते हैं, जो भी वार्ता होती है, सार्वभौमिक तौर पे तथ्यों को ग्रहण करने लगता है। और इसीलिए उनकी एक और सिद्धांत दिया उन्होंने, एक और बात कही जाती है, वो होती है सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत। अगर ये भी प्रश्न आ जाए सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत, सार्वभौमिक रूप से भाषा को बालक सीखने लगता है, जिसको आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज थ्योरी, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज थ्योरी। तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए यूनिवर्सल लैंग्वेज थ्योरी किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, यूनिवर्सल लैंग्वेज थ्योरी, भाषा, सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? नॉम चॉम्स्की। तो देखिए, कई प्रश्न अब आपके समक्ष आ गए, कई प्रश्न आ गए। अगर प्रश्न ये आ जाए कि किसने कहा कि बालक व्याकरण, अपने वातावरण से व्याकरण के नियमों तक को सीख लेता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नॉम चॉम्स्की। अगर प्रश्न आ जाए किसने कहा बालक के अंदर भाषा सीखने की जनजात क्षमताएं होती हैं, जनजात क्षमताओं से युक्त होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नॉम चॉम्स्की। बिल्कुल, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए LAD का सिद्धांत किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, LAD एक उनकी कल्पना है, उनके बच्चों के जीन्स में, मस्तिष्क में कुछ ऐसा होता है जो LAD होता है, और इसके द्वारा बालक भाषा को समझता है, उत्पादित करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है, ये LAD का काम होता है। यस, बिल्कुल, ऐसे प्रश्न आ जाए बिल्कुल बिंदास आप जवाब दीजिए। और इसकी गहरी और सतही संरचना की भी बात की उन्होंने, गहरी और सतही संरचना की भी बात की। गहरी संरचना मैंने आपको बता दिया, भाव और विचारों को व्यक्त करना, और सतही संरचना के द्वारा क्या होता है? शब्द व वाक्य का निर्माण करना, शब्द व वाक्य का निर्माण करना। तो ये बातें हैं, इनको मतलब आपको आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, इन तथ्यों को आपको अपने माइंड में बैठाना है जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कर लूँ। चॉम्स्की महोदय ने एज और कल्चर के विषय में एक बात ये भी कही कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, नोट कर लीजिए इसको, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बालक में फर्स्ट स्टेज का भाषा विकास 3 वर्ष में हो और किसी बालक में 8 वर्ष में हो, ऐसा संभव नहीं है। यानी उम्र और जो संस्कृत होती है, जो कल्चर होता है, लगभग लगभग सभी बालकों में लगभग लगभग समान प्रभाव होता है, समान असर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट स्टेज का भाषा विकास
किसी बालक में 3 साल में हो और किसी बालक में 8 साल में हो, ऐसा संभव नहीं है। ये बातें किसने कही? नॉम चॉम्स्की महोदय ने कही। तो नॉम चॉम्स्की वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षाओं में, किस तरह के प्रश्न आप आपके एग्जाम से बन सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आपको वाइगोत्स्की भी पढ़ना है। वाइगोत्स्की महोदय ने इसके फोल्डिंग का सिद्धांत दिया, इसके फोल्डिंग की बात की। अब इसके फोल्डिंग क्या होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे आपके समक्ष। इसी तरह से बिल्कुल वो ढांचा निर्माण, उसी को बोलते हैं ढांचा निर्माण, इस पर चर्चा करेंगे हम। और उन्होंने और क्या बातें की, उन्होंने बात की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की, ZPD की बात की, उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को, कुछ क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं आपके समक्ष। बिल्कुल, अगर प्रश्न अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, अनुकरण के द्वारा बालक भाषा का अर्जन करता है, अनुकरण के द्वारा बालक भाषा का अर्जन करता है, तो स्किनर ने, कोहलर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने, किसने दिया, आप बताइए क्या जवाब देंगे आप? मान लीजिए प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल मैंने आपको बताया, आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सिंपली आप जवाब देंगे क्या? पावलोव। चलिए और भी प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक दो प्रश्न और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति, किसने कहा बालक के अंदर भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है? थार्नडाइक, चॉम्स्की, पावलोव, स्किनर, तो क्या उत्तर देंगे आप? बिल्कुल आप उत्तर, सहज उत्तर आप दे सकते हैं, बिंदास आप। और भी एक दो प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, आप बिल्कुल बिंदास आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है, जैसे स्किनर ने भाषा पर जोर देने के क्रम में अनुकरण द्वारा, अनुकरण पर जोर दिया, साहचर पर जोर दिया, चयनात्मक पुनर्वलन पर जोर दिया, तो बिल्कुल सीधे सीधे मैंने आपको बताया कि किस पे जोर दिया, चयनात्मक पुनर्वलन पर जोर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे भाषा अर्जन यंत्र से संबंधित उपयुक्त विकल्प है, बताइए गहरी संरचना, सतही संरचना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गहरी संरचना और सतही संरचना दोनों की बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, दोनों आपको से। सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे ख्याल से बिंदास आप जवाब दे देंगे जो भी प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा, इनका उत्तर देने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जो मैंने आपको बताया कि जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी लेंगे, ZPD का सिद्धांत लेंगे और स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत लेंगे। देखिए वाइगोत्स्की महोदय ने एक बहुत बड़ी बात की, बालक भाषा का प्रयोग एक औजार की तरह करता है। अगर ये प्रश्न आ जाए बालक भाषा का प्रयोग एक औजार की तरह करता है, ये किसने कहा? तो वाइगोत्स्की। तो आगे के वीडियो में वाइगोत्स्की पे चर्चा करेंगे, स्कैफोल्डिंग और ZPD की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अगर ये वीडियो स्पष्ट आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने मित्रों को बताइए, ये व्हाट्सएप नंबर है, और भी हम हेल्प करेंगे 8299310097। ओके गाइस, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।